हेलो, मैं जगत नारायण राधा वाला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम BMC तथा BMEE में आज लेकर क्या है क्लच एंड कपलिंग चैप्टर नंबर 6। आइए शुरू करते हैं। कपलिंग क्या होती है? कपलिंग हमारी एक प्रकार की डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दो शाफ्टों को, जैसे मान लीजिए हमारे सबको तो ये एक ये शाफ्ट है और एक ये शाफ्ट है, इन दोनों को जब हमें आपस में जोड़ना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में यहाँ पर ला के ऊपर बीच में इसके हम क्या करते हैं, कपल कर देंगे, जोड़ देंगे। कपलिंग यानी कपल से समझते हैं, युग्म यानी जोड़ा, जोड़ा किसका, इस शाफ्ट का। जब हम इसको आपस में पास में ला करके फिट करेंगे, फिट करने की युक्ति क्या कहलाएगी हमारी, कपलिंग। वो हमारी एक युक्ति होती है, डिवाइस होती है, जिसकी सहायता से हम इन दोनों शाफ्टों को एक साथ आपस में जोड़ सकते हैं। ये दोनों शाफ्ट हमारी किसी एंगल पर भी हो सकती है या किसी सेम एक्सिस पर भी हो सकती है या किसी अन्य एक्सिस पर भी हो सकती है। आइए देखते हैं इसमें। और इसका मेन काम होता है हमारा पावर को ट्रांसमिट करने का। नोट डाउन कर लीजिए इसको, वैसे देख लीजिए थोड़ा इसमें और भी। तथा ये जो मशीन होती है, जो मशीन हमारी चलती है, तो हमारे क्या करते हैं, इसमें जो थ्रस्ट जनरेट होते हैं, मशीन जो हमारी थ्रस्ट जनरेट करती है उसको भी क्या करती है, रोकती है, ये कपलिंग। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए शुरू करते हैं कपलिंग के प्रकार। कपलिंग कितने प्रकार की होती है? कपलिंग बेसिकली दो प्रकार की होती है हमारी। पहली है दृढ़ कपलिंग, जिसे रेडी जाल फास्ट कपलिंग भी कहते हैं, तथा दूसरी जो है हमारी लचीली युग्मक या फ्लेक्सिबल कपलिंग या नॉन रिजिड फ्लेक्सिबल कपलिंग, नॉन रिजिड कपलिंग। ठीक, अब देखते हैं दृढ़ युग्मक या रिजिड फास्ट कपलिंग होती क्या हमारी। कपलिंग यानी युग्मक हमारा, इसमें क्या होता है हमारा, जो हमारी एक ही अलाइनमेंट में होती है, एक ही रेखा में होती है, उनको जोड़ उन शाफ्टों को जोड़ने के लिए हमारी कौन सी कपलिंग यूज में आती है, दृढ़ कपलिंग। इसमें हमने लिखे हैं वे युग्मक जो पूर्णतः संरेखण यानी एक ही लाइन में अलाइनमेंट में दो शाफ्टों को जोड़ने का कार्य करती हैं, क्या कहलाती है हमारी, दृढ़ युग्मक कहलाती है। यानी दृढ़ मतलब इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, लचीलापन नहीं होगा, तो इसमें कोई लचीलापन नहीं होता। तथा दूसरी जो हमारी लचीली युग्मक, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर ड्राइव किया है डिफिनेशन, यहाँ पे वे युग्मक जिनमें जिनके द्वारा हम उन शाफ्टों को जोड़ते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हमारी क्या होती है, एक एक ही रेखा में नहीं होती, संरेखित नहीं होती है, उनको जोड़ने के लिए हम लचीले युग्मक का प्रयोग करते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग या नॉन रिजिड कपलिंग का प्रयोग करते हैं। यह युग्मक जो हमारी होती है, दोनों शाफ्टों के भार को जब छोड़ती है तो क्या करती है, रिवर्सिबल स्ट्रेस जनरेट करती है। ठीक, जब वो हमारे लोडिंग अनलोडिंग कंडीशन में होती है, तो को बना लीजिए, फिर हम देखते हैं कि हमारी दृढ़ कपलिंग या रिजिड फास्ट कपलिंग कितने टाइप्स की होती है और लचीली युग्मक कपलिंग कितने प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबल कपलिंग कितने प्रकार की होती है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। आइए देखते हैं अब दृढ़ युग्मक हमारी जो रिजिड फास्ट कपलिंग है, रिजिड और फास्ट कपलिंग, ये कितने प्रकार की होती है हमारी, और लचीली कपलिंग हमारी कितने प्रकार की होती है। रिजिड कपलिंग हमारी बेसिकली दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली हमारी मफ या बॉक्स कपलिंग। मफ यानी बॉक्स, यानी इसमें एक बॉक्स टाइप का होता है जो हमारे दो शाफ्ट के ऊपर से क्या लगता है, इसको जोड़ देते हैं इसको ला करके, जिसमें होती है हमारी मफ कपलिंग भी और बॉक्स कपलिंग भी। दो प्रकार की होती है, पहली होती है हाफ मफ हाफ लेट मफ कपलिंग और दूसरी होती है स्ट्रेट मफ कपलिंग। तथा इसी रिजिड कपलिंग जो दूसरा टाइप है उसका नाम हमारा फ्लैंज कपलिंग। और बची हमारी लचीली युग्मक जो कि हमारी थ्री टाइप्स की होती है, तीन प्रकार की, जिसमें हमारा पहला है पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसमें क्या करते हैं, कपल को जिसको जोड़ा जोड़ा जाना है जिस शाफ्टों को, उसमें हम क्या करते हैं, पिन लगा के आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कपलिंग लगा करके। दूसरी हमारी ओल्ड हैंड कपलिंग, तीसरी है हुक या इन्वर्सल कपलिंग। इसको बना लीजिए, हम एक डायग्राम की सहायता से हम कपलिंग को समझ लेते हैं। आइए समझ लेते हैं हम कपलिंग कैसी होती है हमारी, देखने में कैसे होती है। जैसे देखिए हम एक कपलिंग को उठाएं, जैसे हमारी मॉफ कपलिंग है, हमारी ये मॉफ या बॉक्स कपलिंग, जिसमें देखिए ये हमारी ये मॉफ है, ऊपर से लगाए हैं इसको, ये सपोज ये हमारी शाफ्ट वन है और ये हमारी शाफ्ट दो है। दूसरी शाफ्ट दोनों को हम क्या करते हैं, एक सीध में ला करके ऊपर से हम क्या करते हैं, मॉफ को लगाते हैं। और इन दोनों को कसने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जीप कुंडी लगा देते हैं, जीप की लगा देते हैं इधर से। इन दोनों को लगाने के लिए, इसमें थोड़ा कसने के लिए, आसानी से खुले ना ये हमारी कपलिंग, इसके लिए हम इसको आसान कस देते हैं जीप कुंजी से, इस पे हम हैमर से प्रहार करके। ठीक, इसको बना लीजिए। हमारा क्वेश्चन आएगा कि कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि कपलिंग को समझाइए तथा किसी भी एक कपलिंग को सचित्र वर्णन करिए। तो ये हमारी एक कपलिंग हो गई, तथा
तथा कपलिंग के प्रकार भी हमने देखा। अब चलते हैं हम अपने अगले की तरफ, क्लच। क्लच क्या होता है, इसको बना लीजिए हमारी, ये हमारी मफ कपलिंग है, ये मफ कपलिंग। ये मफ कपलिंग हमारी बना लीजिए, इसको हम आगे चलते हैं क्लच की तरफ। क्लच क्या होता है हमारा, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्लच क्या होता है। जिस प्रकार कपलिंग भी हम दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार क्लच को भी हम एक दूसरे शाफ्टों को जोड़ने में यूज करते हैं। लेकिन हमारी जो क्लच होती है, ये हम चलित शाफ्टों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं इसका उपयोग। जैसे ये भी एक प्रकार की क्या हमारी डिवाइस है, जो चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ती है, ठीक। तथा जिसमें चालक शाफ्ट को बिना रोके ही चलित शाफ्ट से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और हटा सकते हैं। जैसे हमारा इंजन होता है, जैसे इसका बेसिकली ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हमारा ऑटोमोबाइल में होता है। जैसे हमारा इंजन शाफ्ट है, जब हमारी गियर बॉक्स में जब लगा होता है, इसको हम लगाते हैं इंजन तथा गियर बॉक्स के बीच में। जब हमारी इंजन और गियर बॉक्स में जो शॉक होती है, उन दोनों के बीच हम जब लगाते हैं क्लच को, तो क्या करता है, जब हमारा इंजन चलता रहता है, उस समय जब हमारा जब हमें फ्लाइट जब व्हील पर क्या करनी, पावर ट्रांसमिट करनी होती है हमको, जिस मोमेंट जिस स्पीड से हमको क्या होता है, हमको स्पीड चाहिए होती है, जितना टॉर्क चाहिए होता है, उतने नंबर में हम क्या करते हैं, अपना गियर लगाते हैं। उसको गियर को, उस नंबर के गियर को हमको इंजन शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए बीच में हमारी जो युक्ति लगती है, उसको हम क्या करते हैं, क्लच कहते हैं। जब हम अगर हम सपोज जैसे हमारी ये इंजन है और ये हमारा गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स, और यहाँ पे ये हमारी इसमें कई सारी शाफ्टें लगी हुई हैं, और यहाँ से इसकी ये शाफ्ट लगी है और ये यहाँ पर लगी हुई है, और इन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, क्लच लगाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझाते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये इंजन है और ये हमारा रहा गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में हमारे बहुत सारे गियर लगे होते हैं, शाफ्ट होती है उस पर गियर लगे होते हैं, शाफ्ट पर वेट टाइप के हमारे गियर्स लगे होते हैं, जो हमारी स्पीड को कम या ज्यादा करने में सहायता प्रदान करते हैं। इंजन तो हमारी एक स्पीड से चलती रहती है, जिस स्पीड से हम इसको क्या करेंगे, फ्लो देंगे, जितना थ्रोटल खोलेंगे फ्यूल का, उतना ही हमारे इंजन क्या होता है, स्टार्ट चलता रहता है, ठीक। जब हमारी इंजन की स्पीड मान लीजिए हमारी 100 आरपीएम है, सपोज करने के लिए मान रहे हैं हमारे इंजन की 100 आरपीएम है, जब हम क्लच से जोड़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हमारी इन गियर बॉक्स के अंदर से हमारी मेन जो शाफ्ट हमारी निकल के आ रही है, जो उसके लिए हमारी कितनी शाफ्ट हमारी आरपीएम 150 आरपीएम है, ठीक। जब हम अगर दूसरा हमको चेंज करना होता है, जब हमको स्पीड थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, तो क्या करते हैं, क्लच द्वारा हम डिसइंगेज कर देते हैं इंजन के शाफ्ट से, गियर बॉक्स के शाफ्ट को, तो हम दूसरे नंबर पे लगा देते हैं। जैसे हम बाइक में लगाते हैं, फोर व्हीलर थ्री व्हीलर में लगाते हैं, गियर लगाते रहते हैं क्लच को लेकर के, गियर लगाते फिर क्लच छोड़ देते हैं, इंगेज कर देते हैं, डिसइंगेज और इंगेज करने का काम जो हैंड से या फुट से करते हैं, वो यही काम होता है कि हम क्या करते हैं, इंजन शाफ्ट से गियर बॉक्स में जो शाफ्ट लगी होती है, उन दोनों को इंगेज करते हैं, जोड़ते हैं या तो हटाते हैं, डिसइंगेज करते हैं। उसी हिसाब से हमारी क्या होती है, आरपीएम बढ़ती और घटती रहती है। यहाँ से टॉर्क हमारा सेम मिलता है, लेकिन हमारी जो स्पीड होती है, टॉर्क घटता बढ़ता है, और यहाँ से होता है हमारा जो गियर बॉक्स लगा होता है। हमने माना कि 100 rpm हमारी यहाँ से चल रही है, मिल रहा है हमको इंजन से, हमको यहाँ से गियर बॉक्स से आउटपुट कितना मिला पहले में 150 rpm, लेकिन हमको अगर दूसरे में स्पीड ज़्यादा चाहिए, टॉर्क कम चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर लगा देंगे। जैसे यहाँ दूसरे नंबर का गियर लगा है, एक ही शाफ्ट पर कई गियर भी कई गियर लगे होते हैं, जो दूसरे एक दूसरे से इंटरली कनेक्ट होते हैं। 200 rpm पे मान लीजिए चल रहा है, अगर फिर हमको ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है तो 400 rpm, अगले वाली की स्पीड कितनी है, 450, फिर यहाँ पे क्या है, 800 rpm। अगर हम इसका थ्रोटल ज़्यादा खोलते जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए ये 150 है, अगर हम यहाँ पे 150 मिल रहा है, तो ये भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है हमारा, ठीक। अगर ये 150 तो मान लीजिए 250 हो जाएगा, मान लीजिए 250 हो रहा है, अगर इस पर भी चाहिए तो मान लीजिए फिर कुछ और बढ़ जाएगा, मान लीजिए 3.5 हो जा रहा है, सपोज करने के लिए, अगर ये 3.5 है तो ये भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, मान लीजिए 600 हो गया, अगर ये 600 है तो उसी अनुपात में ये भी बढ़ जाएगा। ये बेसिकली हम मान रहे हैं, सपोज करने के लिए 1000 मान लेते हैं या 1200 मान लेते हैं,
सपोज करने के लिए, मान समझने के लिए, इसी अनुपात में क्या होता है हमारा बढ़ता रहता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके कार्य देखते हैं। कार्य तो हमने यहाँ पर समझ लीजिए कैसे कैसा होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर चालक साहब की चालक साहब की चलित अवस्था में जो होता है उससे चलित साहब को सीधे क्लच की सहायता से डिसइंगेज किया जा सकता है या इंगेज किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है। दूसरा हमारा चालक साहब से चलित साहब जो जोड़ने पर क्या होता है हमारा चालक साहब की शक्ति जो होती है वो चालक चलित साहब पर मतलब जो ड्राइव साहब पर ड्रिवन साहब पर क्या होती है पारित हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक। तीसरा नंबर हमने लिखा है चालक साहब से चलित साहब पर बार बार क्या करते हैं, बार बार क्या कर सकते हैं हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लच की सहायता से जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक। चौथा नंबर हम देखते हैं जब किसी मशीन पूर्णतः या आंशिक भार है तो मतलब उसमें लोडिंग कंडीशन है या अनलोडिंग कंडीशन में है या आंशिक है या पूर्णतः है। ठीक। तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं भी क्लच का प्रयोग करते हैं। अगर एकाएक हम उसको क्लच न लगा करके डायरेक्ट दे दें तो क्या होता है हमारा इंजन से चला रहे तो इंजन भी बैठ सकता है या तो मोटर, अगर मोटर से कर रहे हैं तो चल सकती है हमारी मोटर। मोटर में भी हमारा मोटर की सहायता से जब हम इंडस्ट्रियल में आते हैं तो वहां पर भी क्लच यूज होता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा हम यूज इसका दैनिक जीवन में कहाँ पे देखते हैं, ऑटोमोबाइल में इसका यूज हम देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको ना बनाइएगा, ये समझने के लिए था। इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं। क्लच कितने प्रकार के, नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। इसके वर्किंग कार्य क्या क्या है आइए देखते हैं। क्लच कितने प्रकार का होता है हमारा, क्लच हमारा दो टाइप का होता है, पहला जिसमें बोलते हैं धनात्मक क्लच एक पॉजिटिव क्लच, दूसरा घर्षण फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे धनात्मक है कुछ अलग मिलेगा कुछ जुड़ करके मिलेगा, लेकिन वहां पर घर्षण है कुछ घट कर ही मिलेगा। और धनात्मक क्लच जो होता है हमारा एक टाइप का होता है जबड़ा क्लच। ठीक। लेकिन हमारा जो घर्षण क्लच है वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे क्या है तीनों, पहले हमारे डिस्क टाइप में क्लच जो चक्की आकार का होता है, दूसरा कोण शंकु टाइप का, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रिक क्लच। अभी अपकेंद्रिक क्लच के बारे में बात करते हैं हम। एकल चक्ती क्लच हमारा, चक्ती क्लच हमारा जो होता है दो प्रकार का होता है, सिंगल प्लेट क्लच और दूसरा मल्टी प्लेट। जो केंद्रीय होते हैं जहां पर हमारे क्या होते हैं जिस गाड़ियों में क्लच, जिसमें जैसे देखें लूना है ना हमारा, लूना होता है, मोपेट होता है, इन सब में क्या होता है क्लच जैसे देखने को मिलता है नहीं होता, लेकिन वहां पर क्या होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच लगा होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाते हैं क्या होता है हमारा उसकी दीवार पर जाकर के चिपकता है और हमारा क्या करता है बाइक हमारी आगे चलना प्रारंभ कर देती है। ये हमारे यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल क्लच लगा होता है लूना और मोपेट में, जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर क्लच नहीं है लेकिन वहां पर भी क्लच लगता है, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर देखते हैं इन दोनों में हमारा अंतर क्या है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एंगल सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं हम सिंगल प्लेट तथा मल्टी प्लेट क्लच में अंतर क्या क्या अंतर है हमारा। पहला इसमें इसमें जो होता है सिंगल प्लेट क्लच में, इसमें प्लेट जो होती है दोनों सतहों पर, इसमें दो सतहें जो होती हैं इसमें घर्षण युगल होते हैं स्थापित होते हैं, अर्थात इसमें दो घर्षण युगल होते हैं। जैसे हमारे टार्क का फार्मूला निकल के आता है इसका TM=2μWnRmf। अगर इसमें सिंगल प्लेट में दो ही होते हैं तो उसमें मल्टी है यानी उसमें दो से ज्यादा होंगे है ना, तो इसमें जब दो एन घर्षण युगल स्थापित हैं तो इसमें जब पारित बला गुण होगा तो T=n हो जाएगा, यहाँ पर टू होने की टू की जगह क्या हो जाएगा एन एन डब्ल्यू एन आर एम एफ। और एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं N1+N2-1। अब हम दूसरा इसमें देखते हैं कि दूसरा अंतर क्या है, इसके द्वारा हम क्या इसका प्रयोग हम क्या करते हैं हल्के वाहन में इसका प्रयोग करते हैं तथा इसमें क्या होता है मरण आघूर्ण जो होता है और शक्ति पारेषण करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा क्या होता है शक्ति पारेषण कम होता है, लेकिन उसका प्रयोग हम भारी वाहनों में उच्च परिमाण का मरण आघूर्ण पारेषण करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे भारी वाहनों में, किसका मल्टीप्लेट प्लस का। तीसरा आंकड़े देखते हैं इसमें क्या है, इसमें जो घिसाई होती है समान ताप पर होती है तथा लास्ट तक समान घिसाई में घिसती रहती है, उसमें क्या है शुरू से लास्ट तक क्या होती है हमारी एक समान घिसाई होती रहती है। चौथा आइए देखते हैं इसमें,
इसमें जो होता है एकल प्रेरक जो होता है उसमें प्रारंभ में जो शक्ति पारित होती है अधिक होती है, लेकिन जब दिशाई होने के बाद इसकी क्या होती है पारेषण शक्ति कम हो जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है मल्टीप्लेक्स में इसमें शुरू से लास्ट तक एक समान शक्ति पारेषित होती है, मतलब पावर ट्रांसमिट होती रहती है। लास्ट इसमें पांचवा नंबर हम देखते हैं, इस क्लच द्वारा हम क्या करते हैं एक निर्धारित समय सीमा तक ही क्या कर सकते हैं पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हम मल्टी सिंगल प्लेट क्लच की तुलना में कई गुना हम ज्यादा शक्ति पारेषित कर सकते हैं तथा पावर को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम बियरिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।